अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये व्लॉग मैंने कल का जहाँ एंड किया था, उसके बाद मैंने ये बाकी का व्लॉग जो है स्टार्ट कर लिया था। तो हम लोग आ गए थे बाहर, हम आए थे ग्रॉसरी करने के लिए। वैसे तो मैं आई थी, मुझे कुछ ज़रूरत की जो चीज़ें लेनी थी, ब्रेड वगैरह, बस वही लेने आई थी। लेकिन जब मैं आ गई होम मार्ट, तो फिर मैंने सोचा कि चलें जी मंथली ग्रॉसरी ही कर लेते हैं। तो बस अचानक से प्लान बना और मैंने फिर सारी चीज़ें ले ली। और यहाँ मैं देख रही थी, इधर बिस्किट सारे जो है ना मियो पड़े हुए थे, और पता नहीं कौन कौन से लोकल फीड पड़ी हुई थी। और यहाँ पर इसी तरह के ऐसे ना मार्ट्स वगैरह में जाएं तो ऐसी ही फीड्स मिलती हैं, और ये बिल्कुल भी नहीं अपनी कैट्स को खिलानी चाहिए। इसी वजह से कैट्स को ना UTI वगैरह का इशू हो जाता है लेटर एज में जाकर। तो राशन मैं ले रही थी और लिस्ट बना कर नहीं आई थी, घर से चेक करके नहीं आई थी। तो कितनी चीज़ें तो मैंने ऐसी ही उठा ली थी जो पहले ही पड़ी हुई थी। बट खैर है, जितना भी हो ठीक है, पूरा मंथ का मैंने सब कुछ सामान ले लिया था। और अभी यहाँ से मैंने ज़रा सेला चावल भी देख रही थी, वो ढूंढ रही थी कि सेला चावल भी ले लूँ। तो जी सारी चीज़ें लेते हैं, राशन लेते हैं, और फिर आपके साथ मैं घर जाकर बात करूँगी। और ये मैंने उठाया था अभी, ये जो पैकेट उठाया ना, ये चिकन पाउडर का था। तो अभी हम लोग बिल बनवा रहे हैं और फिर घर जाते हैं। हम लोग अभी घर आए हैं, तो जो मंथली ग्रॉसरी होती है वो करके आए हैं, राशन लेकर आए हैं। और उसको भी बड़ा कंफर्टेबल है इन कपड़ों में। वाह जी वाह, गर्मा गर्म तो भी। अब मैं ना ये इस तरह के और भी मंगवा लूंगी अपनी अडल्ट कैट्स के लिए। स्कूबी पंजे देखो। अच्छा जी, और अभी हम जैसे ही घर आए हैं ना, तो आके हमने जैनी को भी खोल दिया ताकि बाहर जाए और वॉशरूम वगैरह कर रहा है। ये सारा है जी राशन, सारे शॉपर आ गए, कोई रह तो नहीं गया अंदर। तो ये मैं अभी थोड़ी देर में सारा जो है अरेंज कर लेती हूँ राशन। मिनी मिनी बेबीज कहाँ है? चले देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं मिनी के। ये सोए हुए हैं सब माशाल्लाह, डे बाय डे इनका वेट जो है बढ़ रहा है, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। मिनी ब्राउनी ब्राउनी उसको उकसा रही है, क्या वो खेले? बलूनी बलूनी ये पता है किस लिए होल, ये वाला होल, ये इसलिए कि जब बाहर लेके जाए तो हॉर्नेस पहनाए ना, तो उसकी स्ट्रैंड यहाँ से निकल आए। अच्छा जी, बड़े सारे ये खाना खा रहे हैं, बड़े ये खाना खा रहे हैं। और मैं अब छोटों को दिखाता हूँ, छोटे बाल्टी में ये देख ब्राउनी, ये देखें ये चारों के चारों बाल्टी में घुसे हुए हैं। अगर मैं इन्हें बाहर निकालूंगा ना, तो ये इनका खाना भी खा जाएंगे, इनको डिस्टर्ब करेंगे। सबसे छोटी देखें कैसे बिस्किट के ऊपर लेटी हुई है। वो उनकी तो जिंदगी बन गई है, इतना खाना। ये जो बच्चे चिकन खाते हैं ना, उनका चिकन तैयार हो रहा है। हम लोग ना हमेशा बोनलेस चिकन लेते हैं कैट्स के लिए, बोन्स वगैरह नहीं लेते। वो देखो, वो काहे कबीले की सरदार हमला हो गया। ये लो मैंने पीसेस कर दिए हैं, ये देख लो ठीक है। अच्छा इसको दो कर दूं, चलो पीसेस हो गए बच्चों के। आपने खाना खा नहीं लिया? तो रात को तो मैं बहुत थक गई थी, मैंने ना जो राशन है वो मैंने अरेंज नहीं किया। लेकिन अब सुबह का टाइम है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो अब मैं कर रही हूँ। और स्कूबी ने मेरा जीना हराम किया, और आप स्कूबी को देख सकते हैं, उसे इतना प्यार कर रहा है, मक्खन लगा रहे हैं कि मैं इसको ना खाना दे दूँ। तो इसको अभी मैं साइड पे कर रही हूँ, इसको फजाइल अभी आकर खाना देते हैं। चिकन ही खाएगा ये, तो ये खाता ही चिकन है। और मैं जल्दी जल्दी से सारा राशन निकाल के अपनी अपनी जगह पर इनको रखती जा रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। सारा दिन ही काम में ही हमारा तो निकल जाता है।
और आज की जो वीडियो है वो मैंने बहुत मज़े के टॉपिक पे बनाई हुई है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनका नाम नहीं रखा था और आप लोगों की भी सजेशंस थी, तो बस आज हम लोग फिर नाम डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा, स्कूबी जो है ना, स्कूबी ने अब सुबह का टाइम है, अभी ये सारे ना अपना खाना खा रहे हैं बच्चे, तो स्कूबी ने करनी थी अपनी ग्रूमिंग, क्योंकि कैट्स अपनी ग्रूमिंग लाजमी करती हैं। तो मैंने ये स्कूबी की शर्ट उतार दी है, ये देखिए शर्ट मैंने इसकी उतार दी हुई है और अभी अपनी ग्रूमिंग कर रहा है। बहुत रिलैक्स था स्कूबी जो है, इसके हेयर बाकी कैट से शॉर्ट है ना, तो ये बड़ा कंफर्टेबल था इसको पहनकर। स्कू स्कू बच्चों ने खाना खा लिया, मैंने भी घर के सारे काम कर लिए हैं और अभी मैं यहाँ पे अपने लिए बना रही हूँ कहवा। और कोई भी आप बना के पी लिया करें, अच्छा होता है, दिन में दो दफ़ा मैं कहवा पी लेती हूँ। और यहाँ पर ना मैंने करेले एक दिन पहले ही काट कर नमक लगा कर रखे हुए थे, तो वो मैंने अच्छी तरह से धोकर उनको स्क्वीज़ करके ना पानी सारा, तो मैं ऑयल में फ्राई करके रख रही हूँ। पहले तो मैंने आज बनाना था करेले गोश्त, लेकिन फिर बाद में हमारा प्लान चेंज हो गया और फिर हमने सोचा कि काबली पुलाव बना लेते हैं चिकन का ही, तो मैंने कहा करेले फ्राई करके रख लेती हूँ, फिर जिस दिन भी मूड हुआ तो फ़ौरन से निकालूंगी और बना लूँगी। बस ये वाली सब्जियाँ जो है ना, इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा टाइम लेती हैं काटने छीलने में, तो ये सारा काम हो गया और अब खाना फ़ौरन ही पक जाएगा। बस इसको मैंने फ्राई किया और अब मैं इसको रख लूँगी फ्रिज में, रख लूँगी फ्रीज़र में, लेकिन पहले इसको, ये अभी काफ़ी गर्म है तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए और फिर रखती हूँ मैं। बस अब मैं यहाँ पर बैठती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और कहवा पीती हूँ अपना, और इसके बाद ना फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और बच्चों का नाम रखते हैं कि क्या क्या नाम रखने हैं, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं के क्या नाम मैं रख रही हूँ। मुझे इस दफ़ा ना थोड़े से यूनिक नेम्स चाहिए थे, तो मैंने यहाँ पे जो नाम रखे हैं सेलेक्ट किए हैं वो मैंने यहाँ पे ना चिट्स बना रही हूँ और ऊपर लिखती जा रही हूँ सब्सक्राइबर्स का भी नेम कि किन किन लोगों ने कौन कौन से नाम सजेस्ट किए थे। उसके बाद फिर हम लोग उठवाएंगे, या तो हम किसी बेबी से, बच्चे से, ब्राउनी वगैरह से उठवाएंगे, या मैं फिर फुज़ैल को कहूँगी कि आप कोई सिलेक्ट कर लें ताकि फेयर होके हम लोग रख सकें। और कुछ नाम जो ऐसे थे जो मैंने खुद भी सिलेक्ट किए हुए थे, तो वो भी मैंने साथ में ही नोट डाउन कर लिए हैं। बस ये चिट्स बनाती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग सिलेक्ट करते हैं नाम। नो जी, अच्छा बात सुनो, हम तुम्हारे बच्चे ले रहे हैं, अच्छा उनको हमने नाम रखना है। काके ले रहे हैं हम जीजी, ले लें जीजी। कहती है ले लो, ये आ गया जी, ये रखें जी इधर, ये लो और ये दो फीड कर रहे हैं, ये मदर फीड। ओ रोना धोना शुरू, ब्रॉनी और मोनी। और जीजी एक और किधर है, ये रहा। वाह ब्रॉनी तुम इतनी छोटी कैसी हो गई, छोटी ब्रॉनी। ये जी हमारी छोटी ब्रॉनी है, इसका नाम पता नहीं क्या रखेंगे। हम बच्चों के कमरे में जाते हैं, ब्रॉनी को ले जाते हैं और ब्रॉनी जो है ना वो ही डिसाइड करेगी कि क्या नाम रखना है। ब्रॉनी को लेके आते हैं, ये देखें हम इनके रूम में आए हैं, सारी लाइट्स ऑन करेंगे और ये देखें सारे सोने। ब्रॉनी कहाँ सो रही है, ब्रॉनी ब्रॉनी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चले ना ब्रॉनी। ये मफिन खुद ही आ रहा है, मफिन को तो बुलाए, मफिन आ जाओ आ जाओ आ जाओ बैठ चले। देखे सब माशाल्लाह गहरी नींद सो रहे थे, ये बग्गी है। चलो मफिन, ये स्कूबी का ड्रेस जो है मफिन ने पहन ली है, अब मफिन बाहर जाएगा हमारे साथ। ये मफिन जा रहा है, चलो अच्छा अच्छा जाओ मफू, मफू चला गया। और अब जी ब्रॉनी को लेके जाते हैं, आ जाओ ब्रॉनी
अजा ब्रॉनी की मम्मा ने ब्रॉनी की इतनी ग्रूमिंग की है कि ब्रॉनी सारी उजड़ी उजड़ी है। माशाल्लाह ये महाराज जी की ये फकीरा ये हमारा बिल्लू। चलो जी अब ब्रॉनी को हम लेके जा रहे हैं। सब लाइट्स ऑफ करो ब्रॉनी, ब्रॉनी सब लाइट्स ऑफ करो। ओ लास्ट रह गई। चलो आ जाओ मफू, आओ पर्चियां सेलेक्ट करें। ब्रॉनी आपने मेरी हेल्प करनी है नेम्स डिसाइड करने में, बेबीज को दे दो। चलो मिनो अब इनकी जान छोड़ो, ये लो। कह रही है दो में के, अब मैं डिसाइड करती हूँ। ये लो ये लो। ब्रॉनी आप करेंगी डिसाइड? ये ऐसे ऐसे ये लो ऐसे ऐसे करके ऐसे फेंकेंगे और नेम निकल आएगा। ओ पकड़ो कौन सा चाहिए? ये चाहिए। चलो लो। तो जी मैंने ना यहाँ पर ये देखें मैंने पेपर्स पे लिख लिए हैं सारे नाम। अच्छा आप लोगों ने बहुत सारे नाम मुझे कहे थे, सजेस्ट किए थे, लेकिन उसमें से ज़्यादातर नेम्स जो है ना वो तो मैंने रखे हुए हैं और कुछ बहुत कॉमन थे तो वो मैंने नहीं रखे। मुझे इस दफ़ा था कि मैं बड़े यूनिक से नाम रखूँ तो मैंने नाम डिसाइड के लिए खुद मैंने खुद डिसाइड किए हुए हैं, कुछ मैंने आप लोगों के लिए हैं। तो मैंने मेल एक ही है हमारे पास, उसका मैंने अलग कर ली है और फीमेल से भी मैंने अलग कर ली है। तो अब हम लोग ब्राउनी से सिलेक्ट करवाते हैं और देखते हैं कि क्या नाम निकलेगा। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं जो मेल किटन है हमारा छोटा बेबी उसका नाम सिलेक्ट करते हैं। ये हमारा छोटा सा मेल है, एक ही मेल है। तो अब सबसे पहले हम लोग ना इसका नाम सिलेक्ट करते हैं और मैंने इसके लिए ये थ्री नेम्स जो है ना ये मैंने थ्री बना लिए चिट्स और अब हम इसमें से डिसाइड करवाते हैं इन बच्चों से। मिनी आप करोगी? ब्राउनी ब्राउनी ये वाली आपको चाहिए? अब हो चलो ठीक है इसमें से हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है ब्राउनी, ब्राउनी ने ये सिलेक्ट किया है। ओ बहुत प्यारा नाम निकला है। तो ये है कि मेरी सब्सक्राइबर है समर सारा, तो उन्होंने ये नाम सजेस्ट किया रे रखेंगे। कहाँ गया बेबी? मैंने तीन दो और नाम भी सिलेक्ट किए थे, एक मेरा अपना था दो किसी और के थे, तो ये रहा रे। मिनी आपका बेटा? मिनी अब आज से इसका नाम है रे। समर सारा ने ये बताया है। अब हम इसको करते हैं साइड पे और अब हम बाकी बच्चों पे करते हैं। अब हम लोग इस बेबी का नाम रखेंगे तो मिनी को टेंशन हुई हो रही है अपने बच्चों की, अब हम इसका नाम रखते हैं। और ये बेबी गर्ल है, वाइट कलर की है। ये जो वाइट वाला बेबी है मेल उसका तो रे नाम रख लिया, अब इसका नाम रखते हैं। देखते हैं अगर मम्मी ने कोई सिलेक्ट किया तो ठीक है, नहीं तो फिर सुजैल आप खुद कर लेना। ये नेम्स हैं फीमेल्स के जो मैंने सिलेक्ट किए हैं। मफिन एक सेलेक्ट करो, मफिन एक करो, मफिन इसमें से कोई उठाओ। मफिन को एक उठा लो। नहीं जी आप हट जाओ, मफिन को कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप उठाओ ये लो। अच्छा अब देखते हैं क्या है इसमें। वो उठा रहा है मफिन? नहीं उठा रहा। राया ये मैंने सोचा था, ये तो दोनों एक जैसे हो गए, रे और राया बहुत प्यारा पेयर बन गया। ये देखो ना ये रे है और ये राया है। राया मैंने डिसाइड किया था, मुझे नाम बहुत पसंद था तो मैंने ये लिख लिया था। चलो जी ये तो हो गया, अब बारी है छोटी बेबी ब्राउनी की। अब इनको इनकी मम्मा को देते हैं। आओ बेबी अब आपका नेम रखें। अब हम रखेंगे छोटी बेबी ब्राउनी का नाम। और मफिन ये दो मुझे, ये दो
देख ले, मैं बिल्कुल फेयर होके कर रही हूँ, जो भी आया। चलो फुजैल उठाओ। ओके बेबी ब्राउनी कहाँ जा रही है? ओह ये भी मेरा ही नाम आ गया। ये तो ज्यादती है। डचेस। अब इसका नाम है जी डचेस। अब रह गई एक और बेबी जो है बेबी मोनी, और बेबी मोनी का नाम अब रखते हैं। उठाओ ये क्या है, तो दो दिए आपने। चलो छोड़ो बस ये कर। फातिमा नूर ने नाम बताया था मुफासा, मुफासा नाम निकला है। बहुत प्यारा नाम है, तो इस बेबी का नाम हम रख रहे हैं मुफासा। बेबी को उसके पास रखो, बस ठीक है। मुफासा ये है हमारी डचेस, और ये दोनों हैं रे और राया। बच्चों के नेम सिलेक्ट हो गए। पहले मैं हमेशा नाम जो मेरे दिल में आता था वही रख देती थी, लेकिन इस दफा मैंने फिर आप लोगों की सजेशन पे मैंने सिलेक्ट किया है। मफू मफू मजा आ रहा है आज? मफू बड़ा खुश है स्कूबी की जर्सी पहन के। राया कितनी प्यारी है, है ना? माशाल्लाह। राया का टमी देखो माशाल्लाह। चलो वो नाम इतने सारे थे और बच्चे सिर्फ 4 थे, इसलिए जो भी आया हम लोगों ने रख लिया। और माशाल्लाह सारे नाम बहुत प्यारे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ना मिल्कू कोई कह रहा था, कोई लियू कह रहा था, कोई मिकी कह रहा था, तो ये नाम मैंने ऑलरेडी सबके रखे हुए हैं। स्वीटी वगैरह ये बहुत डिफरेंट नाम थे इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किए। तो जी आज की वीडियो यहीं तक है और मैं इस वीडियो को अब एंड करती हूँ। मिलूंगी आपके साथ कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पहले मैं उसको इतनी देर से बुला रही थी कि आओ ब्राउनी सिलेक्ट करो, पहले आ नहीं रही थी और अब आ गई है जब मैंने वीडियो एंड किया। तो सारी फ्रेंड को कौन सी सिलेक्ट करती है? दिखाओ दिखाओ एक मिनट ब्राउनी, मैं फेंकूंगी फिर लेना। लाओ ये देखो ब्राउनी, फेंक दो। कौन सी सिलेक्ट की है? उठा लेगी ना मुंह में। वो सारी सिलेक्ट कर रही है। नहीं उसने ये, अच्छा उसने वो साइड पे ले गई है। दिखाओ उसमें क्या है, दिखाओ। वो उठा लिया, वो उठाओ। ये तो मुफासा है, ये उठा लो। और इसमें क्या है? वाह वेल डन बिरयानी, बिरयानी है बिरयानी। वो देखो वो सारी उठा रही है। ये माशा, माशा 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 भी बहुत प्यारा था। चलो जी अब ब्रोनी एक दफा मैं ट्राई करता हूँ। ओह मिनी को क्या हुआ है? चलो ब्रोनी दरा ब्रोनी, चलो ये जब ब्रोनी मुंह में सबसे पहले पकड़ेगी ना हम वो सिलेक्ट करेंगे। ये नहीं, अब तो हमने सिलेक्ट कर लिया। चलो नहीं सिलेक्ट नहीं करेंगे, वैसे ही अभी जो आई है। डचेस। चलो चलो ब्रोनी अल्लाह हाफिज बोल दो। मोटो बड़ी नॉटी हो गई है, बड़ी भी हो गई है, बड़ी भी हो गई है। हाई हो रही है मुझे ब्राउनी, ब्राउनी अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ ब्राउनी।